हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था क्वेश्चन नंबर फाइव को सॉल्व किया था। अब चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सिक्स को सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, मतलब कि कोई एक पॉइंट है जो कि 40 मीटर की दूरी पर, टावर से 40 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, मतलब कि इस पॉइंट से जब अगर कोई आदमी टावर के टॉप को देखता है तो उसका एंगल जो है 30 डिग्री बनता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ वाटर टैंक यानी ऑन द टॉप ऑफ टावर, मतलब कि टावर के टॉप पर एक वाटर टैंक रखा हुआ है, अगर कोई आदमी उस वाटर टैंक के टॉप को देखता है तो उसका एंगल बनता है 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड सेकेंड है द डेप्थ ऑफ टैंक। इसमें हम लोग को दो चीज़ फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम लोग को फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या फाइंड करना है, जो टावर के ऊपर जो वाटर टैंक रखा हुआ है उसका डेप्थ फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग कॉपी पे आते हैं। मैंने फिगर बना लिया है, ठीक है। देखिए ये हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। तो ये हमारा ए सी जो है ये हमारा टावर है, ठीक है। एंड सी डी जो है हमारा वाटर टैंक है, ठीक है, जो मैंने रफली फिगर बनाया है वाटर टैंक का, सॉरी। और हमारा बी मतलब मान लीजिए एक आदमी है जो टॉप टावर को देख रहा है, तब उसका सर से उसका एंगल बनता है 30 डिग्री, ठीक है। और जब वो टंकी के टॉप को देखता है तब उसके सर से एंगल बनता है 45 डिग्री। चलिए तो हम लोग को फाइंड सबसे पहले क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हम लोग हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है यानी कि ए सी, और ए सी के बाद हम लोग फाइंड करना है सी डी यानी कि डेप्थ ऑफ टैंक। तो चलिए सिंपली हम लोग पहले फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी एंड डी में, ठीक है। तो उसमें हमारा एंगल है 45 डिग्री और बेस दिया हुआ है 40 मीटर। तो हम लोग टैन 45 लगा लेंगे सिंपली, क्योंकि इसमें हम लोग को बेस और परपेंडिकुलर का यूज़ है, हाइपोटेन्यूज का कोई यूज़ नहीं है। तो हम लोग ने सिंपली टैन 45 लगा लिया है यानी कि ए डी अपॉन ए बी, ए डी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो टैन 45 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो हमने 1 लिख लिया है। और उसके बाद ए डी, ए डी तो कुछ नहीं है, ए डी तो हम लोग को फाइंड ही करना है, तो ए डी को हमने ए डी ही लिखा है। और जो ए बी है वो 40 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ए डी 40 मीटर दिया हुआ है। तो सिंपली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए डी इज इक्वल टू 40 मीटर हो जाएगा, यानी कि हमारे हाइट ऑफ टावर एंड डेप्थ ऑफ टैंक टोटल को ऐड करने पर हमारा 40 मीटर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग निकालते हैं क्या, हम लोग निकालते हैं ए सी यानी कि हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो हमारे अब इस छोटे ट्रैंगल देखेंगे, ट्रैंगल ए बी एंड सी, ठीक है। तो सिंपली हम लोग टेन 30 लगा लेंगे क्योंकि इस छोटे वाले एंगल में ये है, मतलब छोटे वाले ट्रैंगल का एंगल है 30 डिग्री, यानी कि जो आदमी देख रहा है टॉप ऑफ टावर को उसके सर का एंगल है 30 डिग्री। तो हम लोग सिंपली टेन 30 लगा लिए हैं, इसमें भी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ए सी तो हम लोग को फाइंड करना ही है, ठीक है, 1/√, और टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। उस ए सी को हमने ए सी छोड़ दिया क्योंकि ए सी तो हम लोग को फाइंड करना ही है, ठीक है। और बेस ए बी को हम लोगों ने 40 मीटर लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद इस यहाँ पे भी हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया ए सी को √3 से और 40 मीटर को 1 से, ठीक है। तो हमारा पहले तो हो जाएगा यहाँ पे ए सी √3 इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग ए सी को यहीं छोड़ देंगे और √3 को यहाँ पे नीचे में लिख देंगे, मैंने यहाँ पे यही किया है, ठीक है, 40 अपॉन √3। उसके बाद हम लोगों ने ए सी √3 का वैल्यू लिख दिया 1.732, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड मार दिया, तो उसके बाद इसको डिवाइड मारने के बाद हमारा आंसर आएगा क्या, ए सी इज इक्वल टू 23.1 मीटर, ठीक है। ये हमारा एस यानी कि हाइट ऑफ जो टावर है वो हमारे आ गया कितना, 23.1 मीटर, ठीक है। ये तो हमारा आ गया क्या, हाइट ऑफ टावर। अब हम लोग को फाइंड करना था सेकंड चीज, डेप्थ ऑफ वाटर टैंक यानी कि जो वाटर टैंक है उसका डेप्थ कितना है, ठीक है। तो हमारा टोटल जो है, देखिए हम लोग फिगर में देखते हैं, हमारा जो टोटल ए डी निकला था यहाँ पे हमारा 40 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ टावर एंड डेप्थ ऑफ टैंक टोटल इज 40 मीटर। अब हमारा हाइट ऑफ टावर आ गया है,
तो ये तो डेप्थ ऑफ टावर इजिली निकल जाएगा। टोटल हाइट में से हम लोग हाइट ऑफ टावर को माइनस कर लेंगे सिंपली, और ये वाटर डेप्थ ऑफ टैंक निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एडी। एडी यानी कि टोटल हाइट, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमारा 40 मीटर है, ठीक है। उसमें से हम लोग हाइट ऑफ टावर को माइनस कर देंगे यानी कि एसी को। तो हमारा सीडी आ जाएगा। सीडी है हमारा क्या है, सीडी हमारा क्या है, देखिए सीडी है हमारा डेप्थ ऑफ वाटर टैंक। तो सिंपली हम लोगों ने 40 मीटर, 40 मीटर माइनस 23.1 मीटर को माइनस कर लिया है, तो हमारा आ गया 16.9 मीटर। ये हमारा हो गया क्या, डेप्थ ऑफ टैंक, जो टैंक जो पानी का हमारा टंकी था, सॉरी ये हमारा आ गया डेप्थ ऑफ टैंक, इसका ये पानी का टंकी का डेप्थ, ठीक है। तो हमारा आंसर दोनों आ गया, पहले तो सबसे पहले हाइट ऑफ ये टावर निकल गया और सेकंड में डेप्थ ऑफ टैंक निकल गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।